नमस्कार मित्रों, एस जी के जी स्टडीज़ एंड एस जी के जी 2.22 पर आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। चाय के बहुत से नुकसान हैं, चाय नहीं पीना चाहिए। अगर पी रहे हैं तो कम कर देना चाहिए, अगर कम है तो छोड़ देना चाहिए। चाय अच्छी चीज़ नहीं है, इसे ज़्यादा पीने से बहुत समस्या होती है। ऐसी बातें तो हम समाज में आए दिन सुबह से शाम तक सुनते ही रहते हैं। चाय के कितने नुकसान हो सकते हैं वो सब सुबह से लेकर शाम तक हम सुनते ही रहते हैं, लोग मना करते ही रहते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस चाय के फायदे कितने हैं, लाभ कितने हैं? इस सेशन में, इस वीडियो में हम चाय के फायदे की बात करेंगे, चाय के लाभ की बात करेंगे। एक दिन में अगर 4 कप चाय पीते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? स्ट्रोक रिस्क 21% कम हो सकता है, हार्ट का रिस्क 27% कम हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट का रिस्क 26% कम हो सकता है और सर्वाइकल का खतरा 16% कम हो सकता है। मेडिकल की दुनिया में जो लोग हैं वो जानते हैं इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है। 1% 2% प्लस माइनस में लाइफ को बचाया भी जाता है और लाइफ को गंवाया भी जाता है। यहाँ तो लगभग 25% जो है रिस्क कम करने की बात हो रही है। तो आइए चाय के लाभ, चाय के फायदे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पूरी दुनिया में चाय को पसंद किया जाता है। इसके दीवाने इसे विभिन्न रूप में इस्तेमाल किया करते हैं। चाय के फायदे जानने के लिए कई प्रकार के वैज्ञानिक शोध किए जा चुके हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। आपको जान करके हैरानी होगी कि चाय वैकल्पिक रूप से कई शारीरिक समस्याओं के प्रभाव व उनके लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चाय पीने की लाभ की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए चाय पीने के फायदे क्या होते हैं। चाय एक एनर्जी ड्रिंक है और इसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पीने वाले पेय पदार्थों में माना जाता है। सर्दियों के दिन में तो औषधि से इसे कम माना भी नहीं जाता है। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है। इसमें कई औषधीय तत्व मौजूद हैं जो कैंसर, हृदय रोग, गठिया, मधुमेह के जोखिम को कम कर सकते हैं। आगे आपको इसके हम विस्तार पूर्वक बताते हैं ये कैसे कैसे लाभदायक है। पहला बेनिफिट, कैंसर से बचाव में चाय के फायदे। कैंसर से बचाव में चाय कुछ हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल चाय में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो ट्यूमर कोशिकाओं को फैलने से रोक सकते हैं। NCBI, जिसको नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, की वेबसाइट पर इसी संबंध में कई शोध उपलब्ध हैं। आप इस साइट पर जाइए, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन साइट पर जाइए और यहाँ पर आप जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। इनके अनुसार ग्रीन टी ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेस और क्विनोन रिडक्टेस जैसे डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम को सक्रिय करने का काम कर सकती है। और अगर ये एंजाइम सक्रिय हो गए तो ये एंजाइम ट्यूमर को बढ़ने से रोकने में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी और ब्लैक टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनोइड्स का प्रभाव भी दिखाते हैं, जिसको एपी कैटेचिन गैलेट ये साइंटिफिक उसका, और इसी में कीमो प्रिवेंटिव भी है जिसको कैंसर रोधी कहते हैं, इसका प्रभाव दिखा सकते हैं। ग्रीन टी तो ग्रीन टी के नाम से बिकती है। ब्लैक टी का हिसाब ऐसा है कि अगर चाय बनाते समय उसमें शुगर नहीं डालते, गुड़ नहीं डालते, चाय मिल्क नहीं डालते,
अगर चाय बनाते समय उसमें दूध नहीं डालते और चीनी नहीं डालते तो वो ब्लैक टी ही कहलाता है। तो साथ ही इस बात का, लेकिन 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 ये क्या है, कैंसर के बचाव में ये फायदेमंद हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैंसर जानलेवा बीमारी है, घातक बीमारी है, इसके इलाज के लिए महज घरेलू उपचार पर निर्भर ना रहें। घरेलू नुस्खों के साथ साथ चिकित्सक से परामर्श करके ही उचित इलाज कराएं। सिर्फ चाय पीने से कैंसर नहीं ठीक होता है, उससे भी आराम मिलते हैं, हृदय के लिए फायदेमंद है चाय। संतुलित मात्रा में ग्रीन टी या ब्लैक टी का सेवन हृदय को स्वस्थ करने में मददगार साबित हो सकता है। इससे पहले वाला जब हम कैंसर का देख रहे थे उसमें भी ग्रीन टी और ब्लैक टी की बात थी, मिल्क टी की बात नहीं थी। हृदय के लिए फायदेमंद भी ग्रीन टी और ब्लैक टी ही है। दरअसल चाय का सेवन करने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर, सीरम में लिपिड की मात्रा, डायबिटीज नियंत्रित रहती है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जिससे शरीर को हृदय रोग के होने की संभावना कम हो जाती है। फिलहाल हृदय स्वास्थ्य के मामले में चाय के बेहतर प्रभाव जानने के लिए अभी और वैज्ञानिक शोध की जरूरत है, और वो वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं। लेकिन ग्रीन टी और ब्लैक टी के हृदय रोग में लाभ देखे गए हैं। तीसरा, अर्थराइटिस में चाय पीने के फायदे। अरे बहुत लोगों को कमर दर्द होता है, गर्दन दर्द होता है, गठिया जिसको बोलते हैं, तो ये अर्थराइटिस जो है ये गठिया है। रूमेटाइट अर्थराइटिस मतलब ये और भी खतरनाक गठिया का रूप है, से पीड़ित व्यक्ति के जोड़ों में दर्द, कठोरपन, सूजन बनी रहती है। इस समस्या में ग्रीन टी आराम पहुंचा सकती है। NCBI में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्रीन टी और ब्लैक टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन को कम करने वाली, आधी शरीर में बीमारियां जो है सूजन के चलते है, वो सूजन को कम करने का गुण चाय में होता है, जो गठिया के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इस शोध में चूहों पर ग्रीन टी और ब्लैक टी के प्रभाव को देखे गए थे, मनुष्य पर नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्रीन टी गठिया के घरेलू उपचार के रूप में कुछ हद तक सहायक हो सकते हैं। हालांकि यह कितनी प्रभावी साबित होगी, इस संबंध में अभी और शोध की आवश्यकता है। सो तीसरे कंडीशन में भी ब्लैक टी और ग्रीन टी के बारे में ही बात हो रही है। चौथा लाभ, डायबिटीज कम करने में। चिनिया रोग बोलते हैं इसको, शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। सो NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में मधुमेह के लिए चाय के फायदे की बात कही गई है। शोध में बताया गया है कि चाय डायबिटीज के जोखिम और इससे जुड़ी जटिलताओं को कम करने में मददगार हो सकती है। शोध की माने तो चाय इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाती है। बहुत बहुत काम वाली बात है। क्या होता है, इंसुलिन सेक्रेशन ही कम हो जाता है, इंसुलिन रिलीज ही कम होती है, जिसके चलते डायबिटिक होते हैं। अगर चाय, अगर इंसुलिन की जो रिलीज की कैपेसिटी है बढ़ जाए, अगर वो एक्टिवेट हो जाए फिर से, तो डायबिटीज की समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि चाय इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाती है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चाय का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस शोध में ग्रीन, ब्लैक और ओलोंग जैसी विभिन्न प्रकार की चायों को शामिल किया गया है। सो इसमें भी मिल्क टी की बात नहीं की गई है, इसमें भी शुगर की बात नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ में है सिर दर्द में चाय के फायदे। अरे सिर दर्द भी ठीक होता है क्या? तो सिर दर्द में भी चाय पीने के लाभ देखे जा सकते हैं। दरअसल इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है, जो सिर दर्द के असर को कुछ हद तक कम कर सकती है। एक अध्ययन के अनुसार 237 ml काली चाय में लगभग
30 से 80 ग्राम कैफीन होती है, वहीं 237 ml ग्रीन टी में 35 से 60 mg तक कैफीन की मात्रा पाई जाती है। ध्यान रहे, कैफीन सिर दर्द का इलाज नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 400 ml कैफीन का सेवन कर सकते हैं। इससे अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन सिर दर्द, अनिद्रा, बेचैनी जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं, इसलिए लिमिटेड मात्रा में ही। और यहाँ भी ब्लैक टी और ग्रीन टी की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 6 जो है, फायदा नंबर 6, एंटी एजिंग गुणों से भरपूर। एंटी एजिंग का क्या होता है? एजिंग का मतलब उम्र के साथ शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। जो स्किन है, स्किन की सुंदरता कम होने लगती है, त्वचा झुर्रियों से भर जाता है, और अगर झुर्रियाँ ना हो तो उनको एंटी एजिंग कहेंगे। सो बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को कम करने में भी चाय लाभकारी है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध भी इस बात की पुष्टि करता है। शोध में जिक्र मिलता है कि ग्रीन और वाइट टी में पॉलीफेनॉल, दैट इज कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। सो चाय में ग्रीन और यहाँ पर व्हाइट टी की भी बात हो रही है। सो ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कोशिकाओं को डैमेज होने से बचा सकता है। वहीं काली चाय में थिएफ्लेमिन होता है। ये तत्व झुर्रियों से बचाव के मामले में त्वचा को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में बेहतर लाभ के लिए चाय को पीने के साथ त्वचा पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कैसे करना है आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको बताएंगे। अभी इतना ही जान लीजिए कि चाय पीने से बुढ़ापा भी धीरे धीरे आती है। बुढ़ापा को कोई रोक नहीं सकता है, डिले कर सकते हैं, तो उतना ही काफ़ी है। सो बुढ़ापा भी धीरे धीरे आती है, और बुढ़ापा दिखती भी नहीं है, नज़र नहीं आती है। आदमी जवान दिखता है, चेहरे पर चमक नज़र आती है, झुर्रियाँ नज़र नहीं आती हैं, ऐसा पॉइंट नंबर 6 में दावा किया गया है। पॉइंट नंबर 7, एंटीऑक्सीडेंट। चाय में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में लाभकारी साबित हो सकते हैं। इससे फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले हृदय रोग, कैंसर, एजिंग की समस्या होने की समस्या आशंका काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों में शामिल चाय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। सो चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, और ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। आठवां लाभ, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन होता है, बाह्य सूजन को हम अनुभव करते हैं, और जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उससे तकलीफें बढ़ जाती हैं। उनको हम देख तो नहीं सकते, बट डॉक्टर को पता चल जाता है। सूजन से जुड़ी समस्याओं में, परेशानियों में चाय पीने के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल चाय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को दूर कर सकते हैं। सूजन से जुड़ी समस्याओं जैसे हृदय रोग, मधुमेह का उपचार करने में चाय का सेवन बड़ा लाभकारी साबित हो सकता है। तो इस तरीके से हमने चाय के सीधे सीधे 8 लाभ देखे। पहला लाभ क्या है? कैंसर से बचाव में ये फायदेमंद साबित हो सकता है, हृदय के रोगों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है, अर्थराइटिस की समस्या में चाय फायदेमंद हो सकता है, डायबिटीज़ को, शुगर को, मधुमेह को कम करने में चाय फायदेमंद हो सकता है, सिर दर्द में को दूर करने में चाय फायदेमंद हो सकता है। एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होने के कारण लंबे समय तक शरीर को नया दिखने का, नौजवान दिखने का हुनर चाय से पाया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट होने से शरीर के बहुत से ऐसे ऑर्गेन हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे हृदय रोग, कैंसर, एजिंग की समस्या की आशंका काफ़ी हद तक कम
हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब सूजन से जुड़ी समस्याओं में चाय पीने के फायदे देखे जा सकते हैं। तो अभी हमने चाय पीने के फायदे के बारे में जाना। ये जो वीडियो है ये SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, इनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारा जो दूसरा चैनल है SGKG 2.22 है, इस पर मोर देन 1000 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, इन पर भी जा करके आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, स्टे ऑन SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।